ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बॉन्ड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। विप्रो का धमाकेदार रिजल्ट आया है, देखते हैं क्या है इसके आगे के टारगेट और कहाँ पे हमें बाय करना चाहिए। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। पहले हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। प्रमोटर के पास 74.04% की होल्डिंग रखी हुई है। बाद में FIS देखिए तो FIS के पास हाल फिलहाल कोई भी होल्डिंग नहीं है, मतलब जीरो है, जो होल्डिंग थी वो निकाल ली। बाद में हम देखेंगे म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड के पास 1.23% की होल्डिंग रखी हुई है। बाद में हम इस कंपनी के प्राइस प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि है नॉन, मतलब इस कंपनी ने अपना कोई भी स्टॉक गिरवी नहीं रखा है, जो कि एक अच्छी बात है। अब हम इस कंपनी में क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, तो आप देख लीजिए नेट सेल्स पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 2.33% की अपसेट देखने को मिले, जो कि एक अच्छी बात है। बाद में हम देखते हैं नेट प्रॉफिट, जो भी पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 6.91% की एक अपसेट देखने को मिले। बाद में करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात, जो भी 0.44% की अपसाइड हमें देखने को मिले, जो भी एक अच्छी बात है। अब हम इस कंपनी के क्वार्टरली ईयर टू ईयर रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, तो आप नेट सेल्स देख लीजिए जिसमें 3.86% की अपसाइड देखने को मिले। बाद में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, जिसमें 35.13% की अपसाइड देखने को मिले, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, जिसमें 4.12% की अपसाइड देखने को मिली, जो भी एक बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं रिजल्ट देखूँ तो मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब सब में अपसाइड दिख रही है, सेल्स भी अपसाइड हो रहा है, प्रॉफिट भी अपसाइड हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अपसाइड हो रहा है। तो मतलब सबसे बढ़िया यही चीज़ होती है किसी स्टॉक के बारे में, जिसमें लगातार नहीं लेकिन क्या होता है, एक दो क्वार्टर ऐसे आ जाते हैं जिसमें डाउनसाइड देखने को मिलती है, तो क्या होता है कि आपको एक निचले स्तर पे मिल जाएगा अगर इसका रिजल्ट अच्छा आया इन फ्यूचर। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि किसी कंपनी को आप ले रहे हो, उसका रिजल्ट नज़दीक है तो रिजल्ट आने का वेट कर लो। हमें कोई रिजल्ट पे क्या है कि लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर इसका रिजल्ट अच्छा आएगा वगैरह। तो अगर आप ले रहे हो, अगर उसका रिजल्ट आ रहा है तो आप उसका रिजल्ट का वेट कर लो, रिजल्ट आने के बाद लीजिए। अब हम इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस देखें, तो चलिए देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है, मतलब कहाँ पे हमें बाय करना चाहिए, कहाँ पे हमें सेल करना चाहिए वो वगैरह। अब हम आ चुके हैं विप्रो के चार्ट के ऊपर, तो आप देखिए जो इसकी हमारी जो मेन होता है कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन, तो हमारी लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन ये है। तो मेरे को लग रहा था कि नहीं, अगर मतलब ये रिजल्ट आने से पहले की बात, कि ये अपनी लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन के पास जाएगा, लेकिन क्या हुआ कि इसके थोड़े दिन पहले मतलब ऊपर चला गया। बाद में अभी मेरे को लग रहा था कि नहीं ये फिर से नीचे आएगा, लेकिन बाद में क्या है कि अभी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो वैसे क्या करेगा ये, अभी मेरे को अभी नहीं लग रहा कि ये अपनी लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन के पास जाएगा, ये इसको थोड़े दूर से मतलब आगे निकल जाएगा, क्योंकि रिजल्ट अच्छा है तो नो डाउट ये अपर जाएगा। तो देखिए जहाँ ये रिवर्सल हुआ था, तो रिवर्सल कहाँ हुआ था, जो अपना रिवर्सल हुआ तो ये भी एक सपोर्ट लाइन थी। आप देखिए इधर था कंसोलिडेट वाला एक सपोर्ट था, बाद में इसको मतलब थोड़ा कम जूम करूँगा तो आपको देखने को मिला क्या कि इधर देखो, इधर बाद में ये थोड़ा सा रह गया है, तो इधर ये क्या है कि सपोर्ट लाइन थी इसकी, जिसने यहाँ से सपोर्ट लिया है। चलो इधर सपोर्ट तो ले लिया, चलो अब देखते कि ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ है। देखो रिजल्ट अच्छा आया इसीलिए नो डाउट कि सपोर्ट लेके ऊपर ही जाने वाला है, तो सपोर्ट तो ले चुका है ऐसा मान सकते हैं हम। तो चलो अब देखते कि ऊपर ये कहाँ तक जा सकता है। तो जो मेरी पहली रेजिस्टेंस लाइन है वो है 253 रुपीज़ के आसपास, क्योंकि देखो इधर से इसने मतलब अपसाइड किया था, तो ये पहले इसकी सपोर्ट लाइन थी, तो मैं इसका क्या है कि एक रेजिस्टेंस लाइन मान सकता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है ये इसको आसानी से ब्रेक करके ऊपर की ओर जाएगा। तो ये देखने की बात है, ऐसा नहीं होता कि हर बार जो हम सोचते हैं वैसा होता है, तो अभी देखना पड़ता है वहाँ क्या हो रहा है। तो पहली रेजिस्टेंस लाइन है 253 के पास, जो हमारी दूसरी रेजिस्टेंस लाइन है जो मैं इसको मानता हूँ वो हमारी है 217 के पास। देखो ये उसकी रेजिस्टेंस लाइन क्यों, क्योंकि इधर पहले तो गैप था, बाद में ये थोड़े से इस पर मतलब देख रहे हो इधर स्पाइक जैसा, तो मेरी ये दूसरी रेजिस्टेंस लाइन होगी। बाद में मैं आगे जाऊँ, देखो हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं, हम ऐसा नहीं बोलते थे कि ये इधर से ऊपर गया आएगा तो सीधे 300 तक जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता, ये क्या है कि स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता है। तो क्या है कि मेरी पहली रेजिस्टेंस लाइन 253 के पास है, दूसरी 270 के पास, और जो तीसरी है वो है 280 के पास। मतलब देखो ये इधर से सपोर्ट लिया था, जो ये एम पैटर्न बना था जिसको हम डबल टॉप बोलते हैं, वो पैटर्न का जो मिडल जो वाला है, जो नेकलाइन बोलते हैं, वो ही हमारी थर्ड रेजिस्टेंस लाइन होगी।
तो क्या है कि ये आपको ऊपर के लेवल मिल गए, तो आप क्या है कि आप अपने हिसाब से इसको लॉन्ग टर्म में भी ले जा सकते हो, आप इसे अपने हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। लेकिन जो भी करो उससे पहले अपनी एनालिसिस करो। मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप मेरी एनालिसिस पे डिपेंड रहकर ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, नहीं, आप अपनी खुद की एनालिसिस करो, उसके बेसिस पे आप कोई निर्णय लो। तो ये था मेरी ओर से छोटा सा और यू ऑन विप्रो। लेने से पहले आप अपनी एनालिसिस कीजिए, बाद में कोई एंट्री लीजिए। और ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगे तो प्लीज़ यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे वीडियो और आगे लेते आएंगे। सो प्लीज़ यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे दबा देना। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।